महादेव श्री सत्यनारायण बटौर मंदिर में उस समय हंगामा हो गया जब श्री रुद्र महादेव चैरिटेबल ट्रस्ट के आचार्य स्वामी तूफानगिरी महाराज को कुछ लोगों ने सिरोपा भेंट करने के बहाने उनके साथ धक्का मुक्की की। इस दौरान उनको मंदिर से बाहर भी निकाल दिया गया। वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि उन्होंने कोई भी बेअदबी नहीं की है। वहीं दूसरे पक्ष का कहना था कि उन्होंने कोई बेअदबी नहीं की है बल्कि धर्म ग्रंथों को संभाल कर मंदिर में ही रखा है। उसके बाद मंदिर में हंगामा बढ़ता देखकर आचार्य ने 112 पुलिस कंट्रोल रूम पर फोन किया, जिसके बाद पुलिस स्टेशन के थाना प्रभारी इंस्पेक्टर राजीव कुमार और डीएसपी सिटी मौके पर टीम के साथ पहुंचे। पुलिस ने आरोपियों से आचार्य के कमरे के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे और डीवीआर बरामद किए। करीब 2 घंटे बाद पुलिस ने आचार्य के कमरे पर ताला लगाकर चाबी अपने पास रख ली और दोनों पक्षों को दस्तावेज साथ लेकर थाने बुलाया है। पिछले आज तो कुछ दिन पहलों यानी 2-4 महीने पहलों एक ट्रस्ट का निर्माण होया सीगा, श्री रुद्र महादेव चैरिटेबल ट्रस्ट, जिदा मैं इस ट्रस्ट का संरक्षक भी हाँ और मेरी देखरेख में ही जिहड़ा अंदर महादेव का पार्वत शिवलिंग का मंदिर है श्री रुद्र महादेव उसकी पूजा अर्चना पंडितों की देखरेख सारा मंदिर का सिस्टम मेरे हाथ से, जिदे लई मेरे को एक कमरा मैनू इत्थे दिता गया सीगा जिस साड़ियां नेम प्लेटा लगे श्री रुद्र महादेव चैरिटेबल ट्रस्ट कार्यालय। अज जी सत्यनारायण कमेटी कुछ लोग प्लस कुछ पिंड वाल लैके इन्ह ने मेरे से हमला कर दिता, मेरे अंदर धार्मिक ग्रंथ पे सके उन्होंने बेअदबी की गई है जिन्हें मेरिया अंतरात्मा तो मेरी जिन्होंने कहते आहत हुई हैं इन्नी मैंने तकलीफ उस चीज़ की कि मेरे धार्मिक ग्रंथों का अपमान किया गया, मेरे गुरु महाराज की फोटो लगिया से उन्होंने बेअदबी की गई है और मेरे तो जो होना ही थोड़े सामने आ मैं जबरदस्ती 5-7 बंद ने जिन्होंने कहो भी कुटते कुटते मैं कमरे तो बाहर कट दिता गया। वहीं सिकंदर शर्मा और आशु ने आरोपों को गलत बताते हुए कहा है कि आचार्य को 40 दिन के बाद जाने के लिए कहा गया था और उन्हें बहुत ही आदर स्वरूप सिरोपा भी दिया गया था। रही बात हिंदू धर्म ग्रंथों की तो उनकी कोई भी अदबी नहीं की गई है बल्कि उनको संभाल कर मंदिर में रखा गया है और यह लोग जबरी मंदिर पर कब्जा करना चाहते थे। सारा पिंड इकट्ठा होया जी, उन्होंने बाबा जी ने रिक्वेस्ट करी है भी बाबा जी बहुत दिन हो गए, पहले 11 दिन कही गए, फिर 43 दिन कही, बहुत दिन हो गए, हम तुम प्रस्थान करो इधर जाना दसो छड़े। सरपंच साहब ने बाहर बुला के उन्होंने सरोपा पाया, सरोपा पा के उन्होंने कहा बाबा जी बस कृपा करो जिधर जाना जाओ। बाबा जी बाहर इतने बाहर ही घूम रहे थे, इतो आए इतने बाहर अंदर जान लगे, ताला लगे हुआ जी कमरे कमरे के अंदर से हो? नहीं नहीं अच्छा जी, कमरे तो असं हूं ताला लाया, कोई ट्रस्ट बनाया बोगस। अच्छा जी, बिना मलकियत तो कोई जमीन के कागज नहीं, कोई मलकियत नहीं, साडे सरोपा पर पहला मता पा के इन्होंने मंदिर बनवाया, मंदिर बनाने तो बाद उन्होंने ट्रस्ट बना लिया, 11 बंदे बाहर ले बदमाश, 4-5 उन्होंने फैक्ट्री दी, 4-5 बाहर ले 40-45 सेक्टर दी। साडे जिहड़े पंडित सी उन्होंने कमरा सी जी पंडितों का, अच्छा जी, तीसरी रूम सी, पंडित उरे बह के सारे देवा कुंडी दी देखदे सी जी कि बाबा जी एक दिन आ रहे आस्ते आए सीगे चाह पानी पीने, कहिंदे उत्थे प्रोग्राम है आए ते उरे इन्हां ने डेरा ला लिया, कहते 10 दिन दो मैं 10 दिन बाद चला जाऊंगा, मेरे पुआ रखे 10 दिन हुए तो कहते मैं 40 दिन बाद चले जाऊंगा, हूँ इन्हों का पूरा हो गया, इन्हें 40 दिन पूरे हो गए थे, पिंड वाले ने सारे इकट्ठे होकर बाबा जी ने कहा बाबा जी थोड़ा हो गया टाइम पूरा, तुम जाओ सरोपा पाया, सरपंच साहब ने मत्था टेकया सारे ने, कहते जी मैं आ जाना बाहर आ जाओ, 100 साल पुराना मंदिर है ते उरे पिछले 1995 तो कमेटी रजिस्टर्ड है सनातन धर्म वेलफेयर सोसायटी जो यदि 4 दीवारी जो यदि केयर टेक कर रही है मंदिर। दूसरी तरफ आचार्य तूफानगिरी ने इल्जाम लगाया है कि अपने आप को मंदिर का प्रधान बताने वाले सिकंदर शर्मा और आशु वेद पर करीब 30 से 35 लोगों ने जहां उनके साथ धक्का मुक्की की वहीं मंदिर पर वह जबरन कब्जा करना चाहते हैं। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट।